के लिए आए। उपनयन संस्कार दशक संस्कार है, मनुष्य के लिए यह संस्कार जीवन में विशेष महत्व रखता है। संस्कार के अंतर ही बालक के जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। संस्कार में देवारंभ संस्कार का भी समावेश होता है और उसी को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि सनातन धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ज्योतिर्मठ की ओर से ज्योतिर्मठ चार धाम मंगल यात्रा का आयोजन किया गया है। केदारनाथ दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य विश्व कल्याण एवं चार धाम का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करना है। ज्योतिर्मठ सदा से चार धाम की यात्रा के संदर्भ में सचेष्ट रहा है। ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के जो सचिव हैं ब्रह्मचारी स्वरूपानंद जी, चार धाम यात्रा समिति के उपाध्यक्ष रहते हुए और उनके सचिव के रूप में ब्रह्मचारी श्रवणानंद जी महाराज निरंतर इस दिशा में काम करते रहे। ज्योतिर्मठ की ओर से चार धाम की यात्रा के लिए जब कपाट खुलते हैं तो लोग जाते रहे हैं, परंपरा रही है, उसी परंपरा को निभाते हुए इस बार दंडी स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज, ब्रह्मचारी श्रवणानंद जी और ब्रजेश सती जी के नेतृत्व में हमारी चार धाम ज्योतिर्मठ चार धाम मंगल यात्रा चली है। यमुनोत्री सबसे पहले ये लोग गए, उसके बाद गंगोत्री गए, उसके बाद केदार जी में आए हैं। हम भी आज इस यात्रा में केदारनाथ धाम में आकर के सम्मिलित हुए हैं। इसमें उत्तराखंड के हमारे ज्योतिर्मठ के भक्तगण हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं और भी अनेक प्रदेशों के लोग मिल करके इस यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। आज केदारनाथ से ये लोग ज्योतिर्मठ जाएंगे, वहाँ से पांडुकेश्वर होते हुए भगवान शंकराचार्य जी की पालकी के साथ बद्रीनाथ धाम में पहुँचेंगे और अंग्रेजी तारीख 8 मई की सुबह प्रातःकाल जब भगवान बद्रीनाथ का पट खुलेगा तो वहाँ पर भगवान बद्रीनाथ का प्रथम पूजन करके इस यात्रा का समापन करेंगे। यात्रा का उद्देश्य विश्व का मंगल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समय लाइव.com।